Мой друг, министр иностранных дел Субраманиан Джайшанкар, он им посоветовал заниматься своими делами. Якинный тор пор во бизнес потенциал хэ, जो उन्हें भारत जैसी बड़ी मार्केट में नजर आता है, हम क्या कर रहे हैं? इस बीच भारत ने जिस तरह से यूरोपीय देशों का सामना किया, उसे लेकर रूस अत्यंत उत्साहित है। अब सर्गेई लेवरोव जो हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, वो याद दिला रहे हैं दुनिया को कि किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने यूरोपियन लीडर्स को बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया और उनको ये बोला कि माइंड योर ओन बिजनेस यार, अपने काम से काम मतलब रखो तुम। देखिए, इंडिया इज द ओनली अमेरिकन पार्टनर व्हिच हैज द लग्जरी टू बाय द मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। उन्होंने रूस के साथ जुड़ाव पर भारत की ओर से पश्चिमी देशों को दी गई प्रतिक्रिया के लिए जयशंकर की तारीफ करते हुए कहा कि भारत और रूस सदाबहार दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि हम अपना एक बेस्ट फ्रेंड, मेरा ख्याल है, बोला है रशिया को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मैंने न्यूज देखी थी। दोस्तों, इंडिया ने तकरीबन 2.36 बिलियन डॉलर के एग्रीमेंट किए हैं टू हैव न्यूक्लियर कैपेबल ब्रह्मोस मिसाइल। देखिए आरजू जी, रशिया ने हमारे फेवर में 6 बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो किया, 6 बार। और पहला वीटो जब किया था, वो किया था फरवरी 20, 1957 को, क्योंकि इंडिया ने हर जगह पे कैप लगवाई हुई है कि आप जो मर्जी कर लें, आपने पाकिस्तान को वेपन नहीं देने। दुनिया एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगी हुई है, लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। हमारे मुल्क में सोशल मीडिया बंद करने के मशवरे दिए जा रहे हैं। आपने कहा कि कैसे बैलेंस कर रहे हैं इंडिया, रशिया और अमेरिका के, अब हम बैलेंस नहीं करते, अब अमेरिका बैलेंस कर। रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीदने का मुद्दा वैश्विक स्तर पर चर्चा में रहा है। इस पर समय समय पर भारत सरकार की ओर से प्रतिक्रिया भी दी गई है, लेकिन अब रूस की तरफ से इस मामले पर बड़ा बयान आया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि मेरे दोस्त जयशंकर ने इसका बाखूबी जवाब दिया है। रूस के सोची में वर्ल्ड यूथ फोरम के दौरान लावरोव से पूछा गया था कि यूक्रेन युद्ध के बीच भारत आखिर क्यों रूस से तेल खरीद रहा है। इस पर लावरोव ने जयशंकर को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि रूस से कच्चा तेल खरीदना भारत के लिए राष्ट्रीय गरिमा की बात है। लावरोव ने कहा कि मेरे दोस्त विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में अपने संबोधन में इस बारे में कहा था। उनसे पूछा गया था कि उन्होंने रूस से इतना तेल खरीदना क्यों शुरू कर दिया है। इस पर जयशंकर ने अपना काम करने की नसीहत दी थी और ये भी याद दिलाया था कि पश्चिमी देशों ने कितना तेल खरीदना शुरू कर दिया है। अब रशिया द्वारा भारत की तारीफ किए जाने पर पाकिस्तान सकते में है। अब सर्गेई लेवरोव जो है, जो फॉरेन मिनिस्टर है रशिया के, वो याद दिला रहे हैं दुनिया को कि किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने यूरोपियन लीडर्स को बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया और उनको ये बोला कि माइंड योर ओन बिजनेस यार, अपने काम से काम मतलब रखो तुम हमारे काम में नाक मत अड़ाओ। और ये बोला है कि यू नो, जयशंकर काउंटर्स हाउ मच रशियन ऑयल वेस्टर्न इंडिया परचेस्ड। ये रशिया ने बोला है कि जो कंपेरेटिव उन्होंने दिया था, आपको याद होगा जब डॉक्टर जयशंकर ने ये बोला था कि यार तुम तेल खरीदो तो ठीक है, हम तेल खरीदो तो उससे हम लोग जंग को और हवा दे रहे हैं, युद्ध को और हवा दे रहे हैं, ये कैसा लॉजिक होता है। तो ये सारी की सारी चीजें बताई थी वो सर्गेई लेवरोव जो है, उन्होंने बात करी और बोला कि डॉक्टर जयशंकर दोस्त हैं रूस के, भारत दोस्त है रूस का, मोदी जी दोस्त हैं रूस के, और उन्होंने एक्सपोज करा है दोस्तों दोगला व्यवहार। दोस्तों, इंडिया ने तकरीबन 2.36 बिलियन डॉलर के एग्रीमेंट किए हैं टू हैव न्यूक्लियर कैपेबल ब्रह्मोस मिसाइल, और ये आपको बताता चलूं कि ये 5 एक कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किए हैं, और तकरीबन ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो है वो उसने किए हैं, और मज़े की बात यह है कि इंडियन नेवी को ये चाहिए। बहुत देर से हम एक चीज़ बात कर रहे हैं कि इंडिया अपनी नेवी के लिए बहुत ज़्यादा जिसे वो कहते हैं ना वेपन्स प्रिक्योर कर रहा है, और सुनने में आता है कि ये लैंड एंड सी दोनों को टारगेट कर सकते हैं। जारी बात है, अगर ये समंदर में है तो ये टारगेट समंदर में भी जा सकता है और ज़मीन पे भी जा सकता है। इट मींस कि इंडिया जो है वो अपनी समंदर में खड़े होकर किसी मुल्क के अंदर भी मार सकता है और जारी बात है समंदर में भी टारगेट कर सकता है। अब थोड़े दिन पहले अगर आपको याद हो कि इंडिया और मॉरिशियस ने एक इंडियन फाइनेंस एयरबेस जो है, एक मॉरिशियस का आइलैंड है अगलेगा, वहाँ एक ये जॉइंट प्रोजेक्ट है इंडिया और मॉरिशियस का। इस चीज़ को जहन में रखें कि जहाँ जहाँ इंडिया ये बनाएगा
फॉर एग्जाम्पल लक्षद्वीप पे अगर इंडिया अपनी नेवी की एयरबेस बनाने जा रहा है, मॉरिशस में बनाने जा रहा है, फिर इंडिया इस तरह का जो इक्विपमेंट प्रिक्योर कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल तकरीबन 200 मिसाइल जो हैं इससे पहले भी इन्होंने जिसे वो कहते हैं ना अप्रूव किए हुए हैं। अब ये जो ब्राह्मोस मिसाइल है ये बेसिकली भारत की जो इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO है और जो रशिया की एक अदारा है ये मिल के ये बनाते हैं। और ये आप जहन में रखें कि ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनको भी इक्विप कर सकता है। अब देखिए इंडिया जो है ना वो MTCR का मेंबर है। इंडिया ने इंतहाई स्विफ्टली स्मार्टली MTCR का मेंबर बन गया। इंडिया ने 2015 में रशिया की मदद से इसका मेंबर बना और जिसे वो कह लें कि पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का, बट इंडिया कहते हैं कि जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है ब्राह्मोस जो है इट इज़ अगेंस्ट दी ये अगेंस्ट है या वायलेट करता है MTCR गाइडलाइंस को और रशियन इसकी असिस्टेंस है। क्वेश्चन ये आता है कि तमाम ममालिक जो हैं वो एक चीज़ ज़रूर कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमने इंडिया को मिलिट्री हार्डवेयर बेचना है। ये पाकिस्तान की नाकामी समझ लें, पाकिस्तान की कमज़ोरी समझ लें। पाकिस्तान के पास अब ना तो उस तरह की चॉइसेस हैं अदर देन चाइना एंड टर्की और ना ही अब हमें कोई देता है, क्योंकि इंडिया ने हर जगह पे कैप लगवाई हुई है कि आप जो मर्ज़ी कर लें आपने पाकिस्तान को वेपन नहीं देने। और ये इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है और टेक्निकली इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ भी लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट रखता है और आपको पता है कि व्हाट अमेरिकन्स वांट, बेसिकली अमेरिकन चाहते हैं एक ग्रेटर ऑपरेशनल कोऑपरेशन चाहते हैं नई दिल्ली के साथ, एक बड़ा ऑपरेशनल कोऑपरेशन। देखिए इंडिया इज़ दी ओनली अमेरिकन पार्टनर विच हैज़ द लग्जरी टू बाय द मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। अगर आप अमेरिकन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी या अमेरिकन थिंक टैंक कम्युनिटी में चले जाएं तो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि इंडिया रशिया से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इंडियंस कहते हैं जी हमारी तो रशिया से कोई लड़ाई नहीं है माजी में, हम वी हैव नेवर बीन एट ऑड्स और इंडिया अमेरिका ने तो हमें बड़ा ट्विस्ट आर्म ट्विस्टिंग की है हमारे साथ। देखिए आरजू जी, रशिया ने हमारे फेवर में 6 बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो किया, 6 बार। और पहला वीटो जब किया था वो किया था February 20, 1957 को, और क्यों किया था वो भी मैं बता दूं आपको, ऑस्ट्रेलिया क्यूबे यूनाइटेड किंगडम और यूएस यानी अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर के ऑस्ट्रेलिया और क्यूबा के साथ एक रिजोल्यूशन लाए थे जिसमें उन्होंने ये कहा था UNSC प्रेसिडेंट को कि इंडिया और पाकिस्तान को बोलो कि वो अपना कश्मीर का मैटर रिजोल्व करें और दोनों कंट्री की जो आर्मी है वो वहां से निकल जाए, ठीक है ना, और दोनों को जबरदस्ती बोला गया कि आप लोग बैठ के इस मैटर को रिजोल्व करो। तब जो डिप्लॉयमेंट ऑफ UN ट्रूप भी वहां पे करना था, मतलब कि इंडिया में UN ट्रूप्स रहती, इसको सोवियत यूनियन ने वीटो किया।